हेलो दोस्तों, आज हम थ्री पीस चोली की कटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें शोल्डर का नाप लेंगे। हमने तो इसमें 6.5 इंच पर निशान लगाया, 6.5 पर ही हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे हम इस तरह से गोल करेंगे। गोल करने के बाद हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, और इसे इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इसे ब्राउन शेप देते हैं। हम इसे गोल कर देंगे, जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 इंच लेंगे और इसे हम इस तरह से और यहाँ से गले में हम 2 इंच निशान लगाएंगे और इसे गोल शेप देंगे। इस तरह से देने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें पिंस कट 3 पीस वाला ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ से हम सॉरी पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो मैं इसे 36 इंच का बनाया था, 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच बढ़ाया है इसमें। कमर 32 है तो पेट पर लगाऊंगी, जितना हमने ऊपर रख लिया उतना ही हम नीचे रख लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों कोण को क्या करेंगे, हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। आप चाहे इसका मार्जिन बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाते हैं और यहाँ से 3 इंच पर लगाएंगे। अब इसे हम राउंड शेप देंगे इस तरह से, इस तरह से। यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे, और इसे थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारी जो पफ बनेगी वो अच्छी बनेगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, इस तरह से आएगा। और यहाँ से हम अपने बेल्ट को उठाएंगे, तो मैंने इसमें 1 इंच उठाया और 1/2 इंच हम यहाँ से उठाएंगे। तो हम इसमें बेल्ट अलग से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। हमारी ड्राफ्टिंग हो गई, तो डायरेक्ट हम जो है एक्स्ट्रा जो लगाया था उसी पर हम कटिंग करेंगे इस पर। यहाँ से तो इस तरह से हमारी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से काटेंगे। यहाँ से काटने के बाद हम इसे इस तरह से थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारी जो बब बनेगी वो अच्छी बनेगी इसमें। और यहाँ से तो हमारा ये अब क्या करेंगे, हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से इस तरह से उठाया, जितनी भी आप चौड़ी बेल्ट बना सकते हो वो आपकी चॉइस है। तो मैं पहले इसे सीधा करूँगी,
सीधा करने के बाद अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें 2.5 इंच की बेल्ट बनाई है, 2.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसे भी सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ से हम पहले हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो 2.5 हमने यहाँ से लिया, 2.5 यहाँ से लिया। अभी यहाँ से थोड़ा तो उठाने के लिए अपने बेल्ट को हम यहाँ से 1/2 इंच और बढ़ाएंगे और इसे ऐसे सीध देंगे इस तरह से। हमारी बेल्ट कटकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी बेल्ट हो गई। यहाँ पे जो लगेगी यहाँ लगाएंगे अपने बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद। कपड़े पे कैसे काटेंगे हम, पहले हम कपड़ा बिछाएंगे, उसे जैसे हमने पीस काटा है वैसे ही रखना है। थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे हम इसलिए छोड़ेंगे कि हमें मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए। हमें यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे पीस में भी हमें 1/2 इंच यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। बाकी हमें कुछ भी नहीं लेना। अब लेने के बाद फिर हम इसे काट देंगे और फिर हम इसको हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ऐसे पकड़ेंगे हम इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे तो हमारी पफ बनकर तैयार हो जाएगी। ये सब होने के बाद, हम कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपने ये बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे, जिसे मैं आपको कॉलर बनाना बता रही हूँ किस तरह से बनेगा। इस अखबार को सीधा कर लेंगे काट कर। तो ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। आप बनाना है इसे अपने लेंथ के अनुसार कपड़े पर। और यहाँ से हम 1.5 इंच कॉलर कर लेंगे। आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो इस कॉलर को। फिर से हम इस तरह से सीधा कर देंगे और इसे राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से गोल कर देंगे। इस तरह से, और ये हमारे यहाँ से कट जाएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, हम कॉलर को इस तरह से लगाएंगे बैक और फ्रंट को ज्वाइंट करने के बाद। शोल्डर को इस कॉलर को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे यहाँ से और इसे इस तरह से लाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा ब्लाउज। तो दोस्तों आप बनाना इस ब्लाउज को, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया इस तरह से। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।